हेलो गाइस, वेलकम बैक टू राणा फैमिली व्लॉग। कैसे आप सभी? हम सब ठीक हैं। तो मैं ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर के 3 या 4 के आसपास, हाँ 4 बजे। और मैं मम्मी इधर को लग रही है प्याज छाटने, मम्मी ने चाय पी ली थी और अभी प्याज छाट रही है। और आज का व्लॉग होने वाला है इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज आ रहे हमसे मिलने स्वामी दी और मित्तू जीजू। वे शादी के मतलब कि शादी के बाद, शादी को 1 साल हो गया है। वे पहले ही रुके थे। कब रुके थे मम्मी? जब नई नई स्टार्टिंग शादी हुई ना स्टार्टिंग में, तब रुके थे वे 1 हफ्ता। और अब आ रहे हैं रुकने के लिए। कल रुकेंगे और ऊपर सो जाएंगे। एक बार हम भैंस भूसों को बांधेंगे, फिर शाम को आएंगे मेरे लिए। अभी मैं कर रही हूँ सूट पे तरपाई। स्वामी जी ने सूट मेरे लिए भेजा था और इसको कल पहनूंगी, कल देखना। तो भाई हमने सारा काम निपटा दिया है और स्वामी जी के पास कॉल की थी। वे बोले अभी तक नहीं पता किस टाइम चलेंगे। ना पा, मैंने कॉल की थी, बोली मैं तुझे जगह फ़ोन बंद आ रहा है। हाँ, और अभी हम कूलर में पानी डालने के लिए जा रहे हैं। मैंने अपना सारा काम निपटा दिया, मेरा सिर्फ रहता रोटी सब्जी का। और पापा ने भैंस नहा दी है। पापा थोड़ा ढिला दो ना। मम्मी अपने काम में लगी हुई है, भैंसों का निपटा रही है। बस हाँ, तो भाई मैंने कूलर में पानी डाल दिया है और इधर को मम्मी ने भी अपना सारा काम निपटा दिया है। मैं आई थी करवाने के लिए, लेकिन मम्मी मेरे को बोली ना रहने दे, तू ना रही है ना, इन्हों रेत में होगी है मम्मी। और थोड़ा सा रह गया मार दी, तो तू अपना रोटी तो काम कर रहे। मैंने सारा काम कर दिया, सिर्फ रोटी सब्जी रहती है। और रोटी सब्जी में भी मैं बनाऊंगी दाल और रोटी, और पनीर की सब्जी हमने बाहर से मंगवा ली है। स्वामी तो आ रही है, मेरी बेटी आ रही है। तो भाई शाम के बज चुके हैं 7 और हमने स्वामी दी के पास कॉल की थी। उन्होंने बोला कि अभी तक वो निकले भी नहीं है। मम्मी मिले खड़ाएंगे, अभी इतना कुछ काम था इतना बार बार। तो भाई ये लगा लो 7 बज गए हैं, 7:30 या 8 के आसपास वो निकलेंगे। तो 9 तो नहीं, 10, 10:30 या 11 बज जाएंगे, उस टाइम तक वे आएंगे। और हमने अब तक खाने की कोई भी तैयारी नहीं की, क्योंकि खाना ठंडा हो जाएगा। तो हम 8:30 या 9 बजे खाने की तैयारी करेंगे। तब तक के लिए मैंने चाय बना दी है। आते हैं तो मिलवाते हैं गाइस। मैंने चाय बना दी है, मैं चाय लेके आ रही हूँ। और अभी हम चाय पीएंगे। चाय ताजे दूध की बड़ी है, अच्छी बना के लाना। अच्छी अदरक के लिए, अदरक करिए बना दी मम्मी जी। यहाँ पे चाय बना दी मैंने। चाय बन चुकी है और अभी मैं इनको लेके जा रही हूँ बाहर, चाय और बिस्किट। तो भाई टाइम हो चुका है 8 और अभी तक स्वामी जी का नेट आ रहा है बंद। हमारी कोई बात नहीं हुई, 7 बजे हुई थी, तब उन्होंने बोला था कि 7:30 या 8 के आसपास निकलेंगे, लेकिन वे नहीं निकले। और मम्मी भी नहाने लगी, मैंने दाल भिगो चुके हैं। तो भाई एक बार फिर कॉल करके देखते हैं किस टाइम आएंगे, किस टाइम नहीं आएंगे, एक बार फिर पूछते हैं नेट और मिल गया तो। तो भाई हमारी अभी बात हुई है स्वामी जी से, वो अभी भी नहीं निकल रहे। कम से कम ये लगा लो 9:30 बजे के आसपास वो निकलेंगे। और मैंने दाल की तैयारी कर दी है, प्याज काट रही हूँ मैं। तो गाइज मैं भी आ चुका था घर, मैं बाहर गया था, बात तो मेरी भी हुई थी। बोल रहे थे जब, तो बोली तू घर पे पहुँचेगा ना जब तक आ लूँगी मैं। मनाए भी आधा घंटे से ऊपर हो गया, अभी तक नहीं आए हैं। आधे घंटे से ऊपर हो लिया मैंने आए। मगर ठीक है, अभी फ़ोन किया ना, अभी बोले अभी चलेंगे और 10 मिनट बाद। अब टाइम कितना हो लिया? 8 बजने हो रहे हैं, 7:20 होए होंगे भाई। 8:20 हो गए, ये लगा लो 8:30 का टाइम हो गया। अभी चले हैं तो कम से कम 1.5 घंटा आने का, 10 बजे पहुँचेंगे। चलो ठीक है, आ जाओ, मोस्ट वेलकम। अभी आ रही है स्वामी जी और अमित जी, तो आने के बाद मिलवाते हैं आप सभी को।
तो भाई तब तक ठीक है, हम भी खाना वाना खा के हो जाते हैं फ्री। जब वो आएंगे तब वो अपने आराम से खा लेंगे, उनका बना देंगे, हम खा लेते हैं। वो यही कह रही थी कि तुम लोग खाना वाना खा के फ्री हो जाओ, सुबह फिर खाएंगे एक साथ। मोहित आ नहीं रहा है, मोहित नहीं आ रहा ना भाई, मोहित नहीं आ रहा, मोहित वहीं रुक गया। तो ओके गाइज, बना लो खाना ना ना तो चल पड़े ना ना आप कुछ ना कर तो चल पड़े वो निकल लिए। तो गाइस जब तक ना लेते हैं भाई, ना लिया इतने ठंडे ठंडे पानी में, गर्मी बहुत आज दिन में। तो अभी तब तक मैंने लहसुन और मिर्च, अभी मैं इसको पीस दूंगी। मैंने टमाटर और प्याज दोनों काट दिए हैं, ये पनीर की सब्जी जो लेके आए थे। तब तक मम्मी ने दाल उबाल दी है, इसमें सीटी मरवा दी है, बस अभी छोंक लगाना रहता है। वो एक बारी मैं इनको कर देती हूँ, फिर छोंक लगाएंगे। वही इधर आज मम्मी बना रही है दाल। मम्मी को मेरे हाथ की दाल पसंद नहीं है, इसीलिए मम्मी आज खुद बनाएंगे, है नहीं मम्मी? ना ना अपने भाई, मैं दाल बनाती हूँ टाइट टाइट, और मम्मी जैसी ये दाल है ना, एक बार देखो, मतलब इसमें ना दाल कम है और पानी ज्यादा दिखा देती है मम्मी। इतनी भी पतली ना, तू तो गुस्सा ही बना दे है ना मम्मी, आप ज्यादा पतली कर दो ना, ना। देख लियो। तो भाई एक बार जब मम्मी दाल बनाएगी ना तब दिखाऊंगी मैं, बताना भाई, मैं दिखाऊंगी स्वामी ताएगी जब कैसी दाल है। तो मैं आज उसके लिए दाल बना रही हूँ, उसका स्पेशल कौन आया, मम्मी आप दाल बना। तो भाई मम्मी ने बना दिया दाल, देखने में लाजवाब है, देखने में तो लाजवाब मम्मी दाल। और भाई मारी उसको मैं बैठ रही है छिपकली, इतनी पुंड काली है, मैं क्या बताऊं मम्मी, क्या बताऊं मम्मी, मैं क्या बताऊं। मम्मी का फैशन देखो, सबसे पहले मम्मी का फैशन देखो, इधर फैशन देखो, देखो फैशन देखो, एक ये फैशन देखो, एक ये फैशन देखो। और भाई हमारे साथ क्या हुआ, ओए होए, हमने सारा सामान रेडी करके रख दिया था, लास्ट में स्वामी जी ने मना कर दिया कि मैं नहीं आ रही। पनीर की सब्जी हमने मंगवा ली थी, दाल हमने बना दी थी, आटा बना के रख दिया था, सारा काम रेडी कर दिया था, बट लास्ट टाइम पे टाइम 9:15 हो गए, अभी कॉल आई कि मम्मी मैं नहीं आ रही है। मम्मी सुबह लेट हो गई, अभी हम उनके पास कॉल कर रहे हैं, उनको मना रहे हैं कि भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखते हैं आते हैं वे या नहीं आते। तो लो भाई स्वामिति और मोहित आ गया है, अमित जी आए नहीं क्योंकि उनको कुछ काम हो गया था, इसलिए ये अभी आए हैं। कल शाम से प्रोग्राम था इनका, 11 बजे तक वेट किया, 11:30 तक रात को लोग किया, वेट किया इनका और अभी पहुंचे हैं। शाबाश मोहित जी आ गए हैं, और ये भी आ गया है मोहित भी, इसका एक नाम और है, वो नहीं लेना चाह रहा अमित भाई। हाँ और ये लगी हुई है यहाँ पे, और ये आए हैं भी, इनके लिए खाना बना रही है, जल्दी जल्दी बना। और आज आए थे मामा, और भी मामा था, छोटा मामा और बंदे थे साथ में, और भी मामा और नाना थे क्योंकि वो कुछ काम गए हुए थे, रास्ते में इधर से निकलाए। वो मामा दिखेंगे स्वामित के व्लॉग में, देखना आप लोग। और मैं नहाया नहीं हूँ, देख लो शाम को ही नहाया था, सुबह खेत में गया था, खेत में नहाने लगा, उसके टाइम फिर लाइट भाग गई थी, मोटर बंद हो गई, शाम ने एक बार खेत में जाना था दोबारा, इसलिए शाम को खेत में ही नहाऊंगा। बढ़िया लोग चैलेंज करेंगे, बढ़िया बढ़िया, शाम ने खेतों में जाऊंगे, सुबह मैं भी जल्दी उठा करूंगी। मम्मी ने कहा तू ज़्यादा लेट उठा है, तो मैं भी अब जल्दी उठा करूंगी, तड़के 5 बजे उठ कर खेत में जा रहा हूँ। हमारे लिए लेके आई है पकौड़े और भी फ्रूट, पता नहीं क्या क्या है, वो नहीं दिखे लिए फ्रूट, आम वगैरह।
हमारे लिए चटनी पकौड़े हैं, पापा और मैं, मम्मी खाती नहीं है, ये लोग खा रहे हैं खाना। ये दोनों खाओगे खाना, मैंने तो खा लिया है। आज ना आज इनके मैंने उल्टा करवा दिया, ये गेट कभी नहीं खोलते थे फ्रंट वाला, और मैंने मगा जो बंद नहीं होगा, इतने बेकार वो लोग बनावे, कोई क्लियरिटी नहीं होते सारे बताइयो। और इब मैं आ रही हूँ इब इनके ब्लॉगा में क्लियरिटी दिखाऊंगी, इतने बढ़िया फोन ले रहे हैं फिर भी इन्होंने ढंग की क्लियरिटी कर दे, क्यों इन्हें चाहिए आराम है। इब रूम इतना चिल्ड हो रहा है, इनका दुखी हो रहा है, दरवाजा क्यों खोलिया, यो मैंने खुलवाया, यो खुलिया रहेगा, मैं बंद करके दिखाओ था मैंने। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लेना यार, और इंस्टाग्राम अकाउंट भी ये मेंशन कर देगी, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना। बाय बाय गाइस।